पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन PGCA नई दिल्ली के आह्वान पर डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में गोलघर स्थित प्रधान डाक कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल व कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सेवानिवृत्त प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम चंद ने बताया कि पूरे देश में डाक विभाग के कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार डाक विभाग के निजीकरण को लेकर कदम बढ़ा रही है। डाक विभाग में 5 लाख अभिकर्ता हैं और उनका परिवार है जो कि जीवन यापन करता है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि निजीकरण पर रोक, पुरानी पेंशन योजना लागू और बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सेवानिवृत्त प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम चंद और अभिकर्ताओं के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार मिश्रा ने कहा, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, मैं राधेश्याम चंद हूँ, सेवानिवृत्त प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी पी ग्रुप से। आज ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? ये पूरे देश में डाक विभाग के अस्तित्व के समय की हड़ताल है। आप जानते हैं डाक विभाग के लाखों लाख जगह और भी विभागों में, डाक विभाग में भी जगह खाली है, भर्ती नहीं हो रही है। हमारा डाक कर्मचारी 60 साल की उम्र तक जाड़ा गर्मी बरसात सहते हुए नौकरी करता है, सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, लेकिन उनकी पेंशन आपको पता है कि 1-4 के बाद समाप्त हो गई है। यही नहीं, सरकार इस विभाग को निजीकरण की तरफ ले जा रही है, तमाम सेक्शन बंद हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आम एक छोटी छोटी जनता के लिए भी एक लघु बचत योजना हमारी रही है, जिसमें हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपने छोटे छोटे पैसे को इकट्ठा करके डाकघर में जमा करता था। आज उस सेविंग बैंक को या निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। इससे हमारे तमाम कर्मचारियों के साथ साथ लाखों लाख, लगभग 5 लाख अभिकर्ता हैं, उनके परिवार हैं, वो सड़क पर आ जाएंगे, उनका एक बैग जैसे आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। मांगे यही हैं, निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, जो चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, और जो ये सेविंग बैंक को IPB में मर्ज करके बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विभागी के साथ साथ हमारे अभिकर्ता वर्ग की सबकी एक साथ एकजुट लड़ाई है, इसमें इसको बंद किया जाए। तमाम सेक्शनों को, रेल डाक सेवा के सेक्शनों को तोड़ा जा रहा है, मिला करके एक किया जा रहा है, उन सबको बंद किया जाए, ये सब हमारी डिमांड्स है। मैं मनोज कुमार मिश्रा, अभिकर्ताओं के राष्ट्रीय संगठन का मैं महासचिव हूँ। एक दिवसीय NFP के आह्वान पे एक दिवसीय हड़ताल को देश के 5 लाख से अधिक एजेंटों का समर्थन प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि आज देश का 5 लाख से अधिक कोई भी एजेंट डाकघरों में काम नहीं कर रहा है। भारत सरकार डाकघर को प्राइवेट करने जा रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आधा IT सेक्टर को सरकार ने ऑलरेडी प्राइवेट में दे रखा है, और अगले चरण में जो यह छोटी बचत योजनाएँ हैं, किसान विकास पत्र NSC, जिसमें हम अभिकर्ता धन निवेश कराकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उसको भी प्राइवेट में करने वाली है। और जिस दिन यह आदेश जारी हो गया, देश के 5 लाख से अधिक एजेंट रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। अतः कर्मचारी संघ के आह्वान पे देश के 5 लाख एजेंट सड़क से संसद तक इस लड़ाई में कर्मचारियों का सहयोग करेंगे। पूरे देश के एजेंट इस एक दिवसीय हड़ताल में शामिल है, और जो भी पोस्टल यूनियन का आदेश होगा आगे भविष्य में, हमारे देश भर के अभिकर्ता उसमें सहयोग करेंगे।